क्या है दोस्तों, आज हम एक और प्रोडक्ट रिव्यू लेकर हाजिर हैं। और आज हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम है डाइनापर क्यू पी एस प्लस और ये इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड पेन रिलीवर है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन इसके देख सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन मैं पढ़ देता हूँ आपको, लाइट के लिए दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर डिक्लोफेनिक है, डाई इथाइलामाइन, मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल टॉपिकल सोल्यूशन, जो कि आपका है नॉन एक्वस। तो ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ है और ये 30 ml का है। यहाँ पे इसका जो अंदर का प्रोडक्ट है वो है ये जो आप वॉलिन स्प्रे जैसे देखते होंगे वैसे ही है कुछ कुछ, बट ये उससे थोड़ा सा बेटर है। और ये हमने इसे रेलवे से दिया था, तो यहाँ पे रेलवे नॉट फॉर सेल का लेबल भी लगाया हुआ है। एंड इसका तो यहाँ पे तो इसका प्राइस दिया नहीं है, लेकिन आप इसे 290 के लगभग कुछ इसका प्राइस है जो कि मार्केट पे आप इससे ख़रीद सकते हैं। और ये एक पेन रिलीफर है, जैसे कि वॉलिनी वगैरह होगी, जिससे आपकी इंस्टेंट जो रिलीफ है वो मिलती है। सपोज़ आप फुटबॉल खेलते खेलते आपके ऊपर पैर में चोट आ गई, तो आपकी जॉइंट्स जो है वो सिकुड़ जाती है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है ज़्यादा स्ट्रेच करने से। कभी कभार हैवी एक्सरसाइज के दौरान भी ऐसा होता है, तो उस जगह में जब आप इस स्प्रे को देते हैं तो आप इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलती है। तो ये बेसिकली मेरी मम्मी को दिया गया था रेलवे हॉस्पिटल से, क्योंकि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, तो जस्ट इंस्टेंट के लिए उन्होंने ये दिया था और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कहीं और से रेफर किया है। सो ये भैया ने भी यूज़ किया था, क्योंकि वो उनकी भी ये जो घुटने हैं, घुटने के साइड में बहुत ही दर्द हो रहा था एक्सरसाइज के बाद, तो वो उन्होंने इसे यूज़ किया था। हालांकि मम्मी की तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, तो ऑब्वियसली इससे उनकी ट्रीटमेंट होगी नहीं, ये सिर्फ इंस्टेंट के लिए दिया गया था। लेकिन भैया के केस में ये अच्छा से आपका जो है काम कर गया। तो आप कोई भी चीज़ अगर इंस्टेंटली अगर कहीं पे एक्सरसाइज करते वक्त या फिर कहीं पर खाट वगैरह में आकर आपकी दौड़ते दौड़ते कहीं पर बच्चे के लग गए होंगे, तो आप इसे ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पेन्स होती है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी हो गई, जो कि डिजीज़ आपकी काफ़ी लंबे अरसों से लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है, ठीक है, 5-6 सालों से, तो आई डोंट थिंक कि ये उस पर काम करेगी। वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें वो देखना पड़ेगा एक साथ, जैसे कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइजेस, फिर दवाइयाँ वगैरह वगैरह, फिर बहुत सी चीज़ें, फिजियोथेरेपी भी आप करवा सकते हैं अगर वैसी बीमारी है तो वो सभी चीज़ों को लेकर वो चीज़ होती है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं फ़िलहाल इस प्रोडक्ट की जो रिव्यू देना चाहूँगा, तो ये इंस्टेंट, अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इंस्टेंट रिलीफ आपको चाहिए तो इसे ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 290 rupees में आपको 30 ml मिल रही है, तो आपका अच्छा ही है। यहाँ पे जो है डोज़ इसका दिया गया है, यहाँ पे 4 sprays दिया गया है 2-4 times a day। तो अगर आप एक्सरसाइज करते करते अगर आपकी बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो आपको ऑब्वियसली 4 times दिन में इसे देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा है कि आपकी कल ही मैच है वगैरह वगैरह, तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके फिजिशियन डॉक्टर आप जिसको दिखाएंगे वो अगर रिकमेंड करते तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपको डोज इसका बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे। इसकी जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है डिक्लोफेनिक, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एक डिक्लोफेनिक जेल का रिव्यू भी हमने दिया था इस चैनल में, और वो डिक्लोफेनिक जेल बहुत ही अच्छा है, मतलब 5 में 5 star मैं उसे देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत चोट लगती थी वो क्रीम अप्लाई करने के कुछ देर बाद ही वो बहुत ही एरिया एकदम से रिलीफ हो जाती थी, और वही इन्ग्रीडियंट इसमें भी है डिक्लोफेनिक, तो इसीलिए ये ऑब्वियसली बेटर है ही। बाकी अगर बात करें तो मेंथॉल जो है वो आपकी थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देता है, एंड अल्कोहल थोड़ा बहुत दिया गया है, एंड मिथाइल सैलिसिलेट ये भी आपकी जो है पेन रिलीफ के लिए दिया गया है, बट मेन कंपोनेंट जो डिक्लोफेनिक है वो ये आपकी जो पेन रिलीफ में इसकी मदद करता है। लेकिन मैं ऑब्वियसली सलाह दूंगा कि एक बार अगर आपकी इंस्टेंट पेन रिलीफ हो जाती है तो उसके बाद इसे यूज़ ना करें, और ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, 1-2 बार हो गया, लेकिन अगर आपकी बार बार चोट लग रही है एक जगह में तो एक्सरे वगैरह करवाइए उस जगह की, लेकिन इसे बिना फिजिशियन के बार बार यूज़ मत कीजिए, बस बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और प्रोडक्ट अच्छा है मेरी तरफ से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप इसका छोटा वाला भी अगर कहीं पर मतलब फिजिशियन अगर अवेलेबल ना हो, ठीक है, रात में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गई हो और आइस वगैरह से भी काम नहीं हो रही, तो आप इसका छोटा सा लेके इंस्टेंटली यूज़ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर फिजिशियन हमेशा उनकी सलाह लिया कीजिए। चलिए आज की वीडियो बस यही थी, और इसका स्प्रे एकदम वॉलिनी जैसा ही है, इसे अगर मैं इसे स्प्रे करूँगा तो इसका यहाँ से ये
निकल जाता है, ठीक है। और फिर इसको आपको थोड़ा बहुत ऐसे मसाज कर देना पड़ता है जिस एरिया पे आपका चोट लगा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यही थी आज की वीडियो। अगर मुझे से अमेजन वगैरह में मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं, वरना या लोकल शॉप में, आपकी कोई केमिस्ट शॉप में, तो आपको ये इजीली मिल ही जाएगी।